गाइस दिस इज योर और जैसे कि मैंने बहुत टाइम से आपको प्रॉमिस किया था बहुत टाइम से कह रहा था कि हॉस्टल की वीडियो हॉस्टल की वीडियो हॉस्टल की वीडियो जो कि आपने भी मुझे बहुत कहा वो मैं बनाऊंगा जैसे कि हम सब जानते हैं कि डी यू एल एल बी की फर्स्ट कट ऑफ जो लिस्ट है वो आ चुकी है और ऑलमोस्ट अब फर्स्ट कट ऑफ की जो एडमिशन है वो क्लोजिंग पे ही है मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सब बच्चों की एडमिशन जो है वो हो चुकी है जो फर्स्ट कट ऑफ में लेना चाहते थे और सेकंड कट ऑफ की जहाँ तक बात करें तो यार जितनी बेसब्री से आप वेट कर रहे हैं जितनी उम्मीद से आप वेट कर रहे हैं उतनी उम्मीद से मैं खुद वेट कर रहा हूं हम सब वेट कर रहे हैं और कभी भी आ सकती है हो सकता है कि ये वीडियो रिलीज होने से पहले पहले कट ऑफ आ जाए या आज ही आ जाए या फिर थोड़े टाइम में आ जाए मतलब यहाँ कल आए परसों आ जाए कुछ नहीं कह सकते अब कब कट ऑफ रिलीज करते हैं कब नहीं करते हैं लेकिन होपफुली जल्दी कट ऑफ आएगी क्योंकि अब फर्स्ट एडमिशन लिस्ट जो थी वो ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है तो अब तो सेकंड कट ऑफ की बारी ही है और कहा तक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है और वो सब चीजें हैं वो सेकंड कट ऑफ होने दें और फिर ही हमें एक क्लियर आइडिया क्लियर पिक्चर लग पाएगी कि कहाँ तक अगली कट ऑफ थर्ड कट ऑफ आएगी कि नहीं आएगी या फिर एक कहाँ तक है जो कट ऑफ कट लिस्ट है कट जो मार्क्स वो कहां तक जाएंगे या एक्सपेक्टेड कट ऑफ थर्ड में क्या होगा तो सेकंड के बाद ये क्लियर पिक्चर हो पाएगा क्योंकि हम सब जानते हैं कि फर्स्ट इतनी अनप्रिडिक्टेबल और अनएक्सपेक्टेड आई है कि सेकंड में तो हम क्या ही बात करें तो आज के मेन मुद्दे पे आते हैं दोस्तों आपने हॉस्टल की वीडियो कही थी इस वीडियो को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करना चाहूंगा ये पार्ट वन है वीडियो का जिसमें मैं सिर्फ हॉस्टल्स के बारे में डिस्कस करूंगा पार्ट टू जो वीडियो का आएगा उसमें मैं अगर आपको हॉस्टल नहीं मिलता और अगर आप हॉस्टल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते और और क्या ऑल्टरनेट्स है आपके लिए पीजी फ्लैट्स कहाँ लेना चाहिए कहाँ नहीं लेना चाहिए वो पार्ट टू में डिस्कस करूंगा इसमें मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ वो सिर्फ और सिर्फ डी के हॉस्टल्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ कि डी के हॉस्टल्स में कैसे अप्लाई कर सकते हैं और मेरा ज्यादा फोकस जो रहेगा वो पी स्टूडेंट्स के लिए रहेगा एज ए जर्नल भी और एल वाले स्टूडेंट्स के लिए भी लेकिन कहीं ना कहीं मैं हर हॉस्टल को डिस्कस करता जाऊंगा ताकि अगर कोई और कोर्स से भी देख रहा है हॉस्टल के लिए तो वो उसके लिए भी बेनिफिशियल हो तो हर हॉस्टल को मैं कहीं ना कहीं डिस्कस करता जाऊंगा पर ज्यादा फोकस मेरा रहेगा पी और एल स्टूडेंट्स के लिए अब हॉस्टल ना लगाई कुछ क्राइटेरियाज पे डिपेंड करता है जस्ट फॉर एक्जाम्पल की मतलब हर एक को हॉस्टल नहीं मिलता इनफैक्ट मैं ये कहना चाहूंगा कि मैक्सिमम को हॉस्टल नहीं मिलता मैक्सिमम को अपनी प्राइवेट अकोमोडेशन बाहर ही देखनी पड़ती है जो कि पीजी और फ्लैट्स है तो मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूं मुझसे जिसने भी पूछा मैंने हर एक पर्सन को कहा कि यार प्लीज हॉस्टल की उम्मीद लगा अगर उतना मत आना चलो मिलता है तो वेल एंड गुड वेरी गुड लेकिन अगर नहीं मिलता तो प्लीज अपना एक बैकअप ऑप्शन या पीजी या जहां भी आप रहना चाहें आप प्लीज एक सोच के आना क्योंकि मैक्सिमम को नहीं मिलता हॉस्टल हॉस्टल मिलने के ऊपर कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जिन बेसिस के ऊपर हॉस्टल आपको किया जाता है जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि आप आप एनसीआर में नई रिजाइड करते होने चाहिए एनसीआर से मतलब जो डेली का एरिया है वहां से आपका घर कितनी दूर है कितने किलोमीटर दूर है एक चीज इसके ऊपर फोकस की जाती है दूसरा जो क्राइटेरिया आपका रैंक क्या है आपके मार्क्स के क्या है उसके बेसिस पे आपको हॉस्टल अलॉट होता है तो ये सब चीजों को अपने प्लीज माइंड में रखना तभी आपको हॉस्टल मिलने की कोई उम्मीद है जैसे ही हम डी पे अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे डीयू हॉस्टल्स आपको ये ऐसा कुछ पेज देखने को मिलेगा इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा डी uh, यू के हॉस्टल्स के बारे में या सब कुछ लिखा है कैसे अप्लाई करना कैसे है कैसे एडमिशन फॉर्म्स हैं सब कुछ लिखा है लेकिन इस वीडियो में आपको सारी नॉलेज दे दूंगा डी यू के पास ऑलमोस्ट अगर देखा जाए ना तो सेवनटीन के आसपास हॉस्टल्स हैं जिसमें से दो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए और बाकी सब जो हॉस्टल्स हैं ज्यादातर मेजरली फीमेल्स uh, के लिए गर्ल्स के लिए तो uh, और जो थोड़े हॉस्टल्स हैं वो बॉयज के लिए भी है कैसे अप्लाई करना क्या है क्या हॉस्टल्स हैं पीजी के लिए वो इस वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाएगा तो टाइम वेस्ट ना करते हुए दोस्तों हम जरा पहले हॉस्टल से शुरू करते हैं पहला जो हॉस्टल है वो राजीव गांधी हॉस्टल फॉर गर्ल्स है ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए गर्ल्स के लिए और अगर यहाँ पे देखें तो ये पीजी के लिए पोस्ट ग्रेजुएट और रिसर्च कॉलेज के लिए लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि इनका शायद जो जो इंटरव्यू लिस्ट है वो आ चुकी है तो यहाँ पे शायद आपके डेट निकल चुकी है अप्लाई करने के लिए तो ये हॉस्टल आपके लिए शायद उतना ज़्यादा इस मोमेंट पे काम नहीं आएगा लेकिन तब भी ये मेरी एक पर्सनल एडवाइस रहेगी कि अगर आप दिल्ली से हैं या एडजॉइनिंग एरिया से हैं लेट्स से पास ही दिल्ली आ सकते हैं विजिट कर सकते हैं तो प्लीज़ इन हॉस्टल्स में जाके एक बारी खुद पर्सनली विजिट कर लेना अगर आपको हॉस्टल चाहिए तो पर्सनली विजिट करना वहाँ पे बात कर लेना क्योंकि कभी कभी होता है कि वो ऑफलाइन भी ऐसा सब कुछ आपको बता देते हैं कि ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है सीट मिल सकती है तो प्लीज़ अगर हो सके तो खुद विजिट कर लेना एक बार और बाकी वीडियो में मैं आपको सब कुछ बता ही दूंगा ये इनका फॉर्म था लेकिन अब कोई फायदा नहीं क्योंकि इनकी सेकेंड इंटरव्यू लिस्ट भी आ चुकी है ये आप देख ही सकते हैं तो अब शायद अब आपको शायद सीट ना मिले तो नेक्स्ट हॉस्टल पे चलते हैं जो कि यूजी स्टूडेंट्स के लिए तो इसे इसे मैं अभी के लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि यूजी स्टूडेंट्स यहाँ पे देख सकते हैं अभी के लिए छोड़ रहा हूँ ज्यादा फोकस क्योंकि पीजी और एल के ऊपर है जो थर्ड हॉस्टल है दोस्तों वो अम्बेडकर गांगुली स्टूडेंट्स हाउस फॉर वेमेन है ये भी गर्ल्स के लिए हॉस्टल ही है और इसमें अगर आप देखा जाए तो ये पीजी स्टूडेंट्स के लिए लेकिन लेकिन अगर आप इनके अच्छी तरह पढ़ेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ डेली स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए आ, जो कि जैसे इकनॉमिक्स डिपार्टमेंट में जोग्राफी डिपार्टमेंट में सोशोलॉजी में है तो ये सिर्फ उन्हीं के लिए तो एल वाले स्टूडेंट्स इसमें भी नहीं एनरोल कर सकते ज़्यादातर हॉस्टल ऐसे है ही हैं उसके अगला हॉस्टल जो है दोस्तों वो डी कोठारी हॉस्टल है आ, ये भी पीजी स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल है और बहुत अच्छा हॉस्टल है आ, मतलब मैं जितना कहूँ कि सब में से अगर बहुत अच्छे अच्छे हॉस्टल्स क्या है उसमें से वन ऑफ ये एक उनमें से एक ये हॉस्टल है कि जो बहुत अच्छा है और इनके जब आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फुल टाइम बोनाफाइड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट ऑफ़ यूनिवर्सिटी लिखा है यूनिवर्सिटी ऑफ डेली मतलब कोई कॉलेज से ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर कॉलेज में होने चाहिए तभी आपको यहाँ पे आप एडमिशन मिलेगी पी स्टूडेंट होने चाहिए आप डी के और फुल uh, टाइम या स्कॉलर हो सकते हैं मतलब उन्होंने और भी बहुत सारे एलिजिबिलिटी दिए हैं जो आप प्लीज पढ़ लेना नीचे सारे अभी मैं नहीं पढ़ रहा क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज्यादा लंबी बन जाएगी लेकिन मैं आपको मतलब एक ऐसा समझ लो कि एक जर्नल व्यू हर हॉस्टल का दे रहा हूँ जहां जहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं और जो भी हॉस्टल आपको ठीक लगे उसके एडमिशन फॉर्म पे जाना जो जो इन्होंने कहा है बाय हैंड या ऑफलाइन या ऑनलाइन जैसा भी इन्होंने कहा ये एडमिशन फॉर्म भर देना आपका हॉस्टल के लिए अप्लाई हो जाएगा मिल जाता है वेल एंड नहीं मिलता तो फिर आप बाहर कहीं प्राइवेट अकोमोडेशन या कोई और हॉस्टल में अप्लाई कर देना आपके कन्वीनियंस के लिए मैं नीचे हर हॉस्टल का अलग से लिंक भी डाल दूंगा कि आपको इस वीडियो में जो भी हॉस्टल के लिए अप्लाई करना होगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका इंडिविजुअल लिंक मिल जाएगा कि जहां पे आप अप्लाई कर पाएंगे इस हॉस्टल जुबली हॉल के बारे में मैंने आपको सब कुछ पहले ही एक वीडियो में बता दिया था इनफैक्ट मैंने आपको नोटिस भी दिखा दिया था ये भी वन ऑफ द बेस्ट हॉस्टल्स में से डी यू के तो इसकी लास्ट डेट दोस्तों पहले नाइनटीन ऑफ दिसंबर थी जो कि मैंने आपको सब वीडियो में बताया भी था कि अप्लाई कर लो लेकिन अब उसे एक्सटेंड करके ट्वेंटी कर दी गई है मतलब अभी भी आपके पास मौका है जुबली हॉल में अप्लाई करने का ये पूरा का पूरा नोटिस है जिसे आप पढ़ सकते हैं तो जो लास्ट डे जो री एक्सटेंड की गई है वो ट्वेंटी सिक्स ऑफ दिसंबर बाईट फाइव पी एम तक कर दी गई है अगर इसमें आपको सीट मिलती है ना भाई तो अपने आप को भाई लकी समझो बहुत ज्यादा मिलती है वेरी गुड है और बाकी सब भी भी जैसे भी अप्लाई करना आपको इनकी वेबसाइट पे सब कुछ मिल ही जाएगा हर चीज आपको अवेलेबल है इन्हीं इन्हीं की वेब, वेबसाइट पे पे और हाँ दोस्तों ये ये सबसे बड़ी बात है ये कि ये बॉयज़ के लिए दूसरी बात ये है कि एक डेडिकेटेड सेक्शन आपको मिल जाएगा यहाँ पे जैसे ही आप एडमिशन के ऊपर क्लिक करेंगे अप्लाई फॉर हॉस्टल सीट फॉर एल एल बी एल एल एम अभी भी रजिस्ट्रेशन ऊपर है यार प्लीज एक मिनट भी वेस्ट ना करना इनफैक्ट मैं कहूंगा कि अभी अप्लाई करो ये सब आप जो भी इन्होंने मांगा गया है जो भी इनका क्राइटेरिया है सब आप इसे प्लीज फिल कर दें जल्दी जल्दी क्या आप आप लकी हो और आपको सीट मिल जाए मिल जाती है तो वही बहुत अच्छी बात है जल्दी से इसे अवेल कर लो इससे बढ़िया नहीं हो पाएगा उसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों मानसरोवर हॉस्टल की दोस्तों ये भी एक बेन्ज हॉस्टल है और फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट है रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए इसकी जो डेट्स हैं और वो सब चीजें हैं वो आप इनकी वेबसाइट में आपको दे दूंगा वहां से देख लेना और अप्लाई होता तो कर देना नहीं होता तो भाई फिर अगले हॉस्टल पे बढ़ जाना तो अगला जो हॉस्टल है दोस्तों वो है मेघ दूत हॉस्टल ये भी एक बहुत अच्छा हॉस्टल है लेकिन ये ओनली फॉर फीमेल्स हॉस्टल है और इनकी लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनकी शायद जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स के लिस्ट है वो लग चुकी है जो कि आप ये सामने देख ही सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर हो गई तो ये सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं जो इस हॉस्टल के लिए सिलेक्ट हुए लेकिन मैं फिर से अपनी बात को रिपीट करना चाहूँगा कि अगर आप हो सके तो आप प्लीज़ एक बार ही हॉस्टल पर्सनली विजिट कर लेना वो कहीं ना कहीं आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा उसके बाद दोस्तों नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट्स हाउस फॉर वेमेन हॉस्टल है आ, नाम से ही पता लग रहा है तो आप यहाँ भी एक बार ही देख सकते हैं अगर आपको यहाँ पे हॉस्टल चाहिए उसके बाद दोस्तों आता है पोस्ट ग्रेजुएट मेंस हॉस्टल ये भी ये आप ऐसा समझ लें कि वन ऑफ द बेस्ट हॉस्टल्स में से काउंट किया जाता है क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलती हैं जैसे एग्जांपल के तौर पे सिंगल बेडेड रूम्स मिलते हैं फिजिकल लाइब्रेरी मिलती है कंप्यूटर लैब्स मिलते हैं एयर कंडीशनड और और भी बहुत सारे मैंने सुना है कि काफ़ी अच्छा हॉस्टल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे इनके मैंने नोटिफिकेशन देखने की कोशिश की सब कुछ देखने कोशिश की कोशिश किया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको एक बार बता ही देता हूँ इनके एलिजिबिल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी वही सेम चीज़ें लिखी हैं जो बाकियों में लिखी हैं कि आप पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट होने चाहिए और एक जो पॉइंट मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ही और शी या ही और हिस्स पेरेंट्स शुड नॉट रिजाइडिंग एज वेल एज ओनिंग हाउस इन दिल्ली एनसीआर में आपका घर नहीं होना चाहिए जितना दूर होगा उतना ही चासेस मुझे इनकी कहीं मिली नहीं, शायद अभी तक निकाली नहीं है तो आप प्लीज एक बार जरा इनकी वेबसाइट पर जाके या और सब जगह जाके ही देख लें कि इनकी लास्ट डेट क्या है अप्लाई होता है तो प्लीज करते हैं जल्दी से जल्दी उसके बाद जो हॉस्टल है दोस्तों वो बीकेर बी राव हॉस्टल है ये भी एक बहुत अच्छा हॉस्टल माना जाता है लेकिन आप इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखेंगे तो आप समझ आएंगे कि ये पोस्ट ग्रेजुएट या फिर रिसर्च स्टूडेंट ऑफ फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट के या फिर डेली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के ही हैं तो अगर आप इन इस क्राइटेरिया में फॉलो करते हैं तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं नहीं तो नहीं कर सकते उसके बाद जो डी यू को हॉस्टल आता है दोस्तों वो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन हॉस्टल आता है हॉस्टल तो ये भी बहुत अच्छा माना जाता है लेकिन जैसे ही आप इनके हॉस्टल एडमिशन पे जाएंगे और प्रोस्पेक्टिस में जाएंगे और उसके नीचे एलिजिबिलिटी में जाएंगे एलिजिबिलिटी में यहाँ पे बहुत क्लियरली लिखा गया है कि जो स्टूडेंट है वो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से ही होना चाहिए तो एलएलबी वालों के लिए तो यहाँ कुछ नहीं है गाइस अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से बिलोंग करते हैं तो वेरी गुड तो डी यू ने अपनी साइट पे गईज ये गीताजलि हॉस्टल के बारे में दिया लेकिन जैसे ही हम गितंजलि हॉस्टल के बारे में पढ़ने के लिए या एडमिशन फॉर्म के लिए ओपन करते हैं तो वो डी यू की खुद की साइट ही खुल जाती है गितंजलि हॉस्टल पता नहीं कुछ खुलता नहीं यहाँ पे तो इसे अभी के लिए मैं स्किप कर रहा हूँ उसके बाद गाइज जो सारामती पोस्ट ग्रेजुएट मेन्स हॉस्टल है इसे इसे भी मैं स्किप कर रहा हूँ उसका रीजन ये है कि यहाँ पे ज्यादा गेस्ट हाउस ऑफर किए जाते हैं अगर आप नीचे जाके देखेंगे भी तो ये गेस्ट हाउस बुकिंग फॉर्म है यहाँ पे हॉस्टल का कुछ है नहीं ज्यादा तो उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट और स्पेशली एल स्टूडेंट्स के लिए जो फीमेल्स हैं जिन्हें एडमिशन मिल चुकी है फर्स्ट कट ऑफ में या सेकेंड में भी मिले उनके लिए मैं हाईली रिकमेंड करूँगा इस हॉस्टल का नाम है यूनिवर्सिटी हॉस्टल फॉर वेमेन जैसे ही आप नीचे जाएंगे और नोटिफिकेशन पढ़ेंगे इनकी तो नोटिफिकेशन में बहुत क्लियरली इन्होंने क्लियरलीशन किया होगा कि मैं आपको दिखाई देता हूँ कि एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम फीमेल नॉन रिसर्च पी एंड एल एल बी स्टूडेंट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ डेली फॉर एडमिशन टू यूनिवर्सिटी हॉस्टल फॉर वेमेन सो जो भी एल एल बी के स्टूडेंट्स हैं और फीमेल्स हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि करो डेट बी है जो लास्ट डेट है वो ट्वेंटी है से तक। और जो लास्ट डे फॉर सबमिशन ऑफ कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म है वो सिक्स जनवरी है तो प्लीज अगर आप करना चाहें अप्लाई करते हैं ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी और इसी के साथ डी के हॉस्टल कम्प्लीट हुए अब एक बात कई आप अच्छे से प्लीज समझ लें और मेरी ये एडवाइस रहेगी आप सबको कि देखो डी यू में ऑलमोस्ट ना थ्री से ज्यादा बच्चे आते हैं ठीक है अब हॉस्टल में सीट्स तो उतनी है नहीं क्योंकि उसका बहुत सिंपल सा रीज़न है कि कोई डेडिकेटेड हॉस्टल एल एल स्टूडेंट्स के लिए तो है नहीं कि एक पूरा हॉस्टल बना है सिर्फ एल स्टूडेंट्स के लिए ऐसा कुछ भी नहीं तो बहुत सारे बच्चे होंगे चलो फॉर्चुनेटली कुछ बच्चों को कुछ ही बच्चों को हॉस्टल के आपदा मिल भी जाए लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें हॉस्टल नहीं मिलेगा तब उन उन्होंने कहाँ रहना है उनके लिए क्या बेस्ट ऑप्शन होगी कैसा होगा मैं अपना ऑलमोस्ट चार पाँच सालों का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा क्योंकि मैं चार पाँच सालों से ही डेली में बाहर रह रहा हूँ ग्रेजुएशन में भी ऐसे ही बाहर रहा कोई हॉस्टल नहीं था अब लॉ में भी बाहर ही रह रहा हूँ तो वो अगली वीडियो पार्ट टू में होगा इसके बाद ही वीडियो आएगी जिसमें मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा कैसे क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है क्या क्या चीज़ें आपको देख के किस एरिया में पी लेना है किस एरिया में आप फ्लैट ले सकते हैं या और जितना भी एक्सपीरियंस होगा मैं आप सबके साथ शेयर करूँगा दोस्तों और हॉस्टल आपने पूछा था हॉस्टल मैंने इस वीडियो में अपना बता दिया अभी कौन, कौन से कौन से कौन से हॉस्टल में अप्लाई कर सकते हैं कुछ हॉस्टल्स की डेट अभी भी है तो मैं तो यही कहूँगा कि प्लीज़ जाके अप्लाई करें आ, लास्ट डेट की वेट ना करें अभी जाके अप्लाई करें आ, आपको सब कुछ मिल ही जाएगा डी यू पी साइट पर भी और मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक सबके दे ही दूंगा बाकी और कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में लिख देना मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं मेरा यूज़र नेम है के यू एंड डब्ल्यू एर अंडर स्कोर जीरो एट जीरो एट वहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मुझे डीएम कर सकते हैं इनफैक्ट आप बहुत सारी करते भी हैं इस वीडियो को लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों शायद हो सकता है कि थोड़ी सी लंबी बनी हो लेकिन मैंने एक जनरल ओवरव्यू हॉस्टल का देने की कोशिश की है बाकी कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर लिख ही देंगे नीचे मुझे पता है तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना शेयर करना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ एसप्रेंड्स के साथ जिन जिन्हें भी आपको लगता है कि ये वीडियो देखने की ज़रूरत है और सब्सक्राइब करें टू गैरी सरिया ऐसी और बहुत सारी वीडियोज़ देखने के लिए आई एम वेरी सॉरी थोड़ी वीडियोस लेट होती हैं या अभी भी आई एम नॉट वेल और थोड़ा थोड़ा ठीक नहीं हूँ इसलिए पर वीडियो मैंने आपको प्रॉमिस की थी और मुझे लगा कि अभी सही टाइम है तो मैंने वीडियो बना ली चाहे ठीक नहीं हूँ लेकिन वीडियो बनानी मैंने सही समझी और आप सबके लिए लाना मैंने सही समझा तो अगर प्लीज़ आपको सही लगा तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें टू गैर एम नचरिया और बस ऐसे ही प्यार बनाए रखें बाय बाय गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स अभी गुड नाइट है नहीं पर चलो ब्लॉग क्या बढ़िया हुआ है बहुत सारे ब्लॉग्स हैं गए मेरे फैकल्टी ऑफ़ लॉ के आप पूरे देख सकते हैं मेरी पूरी लॉ लाइफ देख सकते हैं सब कुछ देख सकते हैं हम ऐसे ही बहुत इन्फॉर्मेटिव और मज़ेदार ब्लॉग्स बनाते रहते हैं तो देखिए जरूर बाय बाय